अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल आलू गोभी की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 300 ग्राम हमने गोभी ली है, 2 मीडियम साइज़ के आलू हमने काट के धो के रख लिए हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, थोड़ी सी मैंने अदरक ली है बारीक बारीक काट के रख ली है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने सब्जी मसाला लिए, किचन किंग का मसाला है मेरे पास, और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और गार्निश के लिए हरा धनिया। 85 ml हमने घी लिया है और अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल लेते हैं घी में। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है अच्छे से, टमाटर जब तक गल नहीं जाते। हल्का सा पानी डाल के इसको हमें ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए। अब हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में एक बार और चम्मच चला के चेक करा था, ये हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं टमाटर। अब इसके अंदर हम ये सब्ज़ी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं और हल्के से पानी डालेंगे इसमें भी हम, और ढक के रख देंगे मसाले में। और इसमें हमने 100 ml पानी डाला है, अब इसको मैं हल्की आंच पे ढक के रख दूंगी। हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं इस सब्ज़ी को रेडी करने में। मैंने बीच में एक बार चम्मच चला के देखा था और हल्का सा पानी इसमें और डाला था। अब ये बनके रेडी हो चुकी है और लास्ट में आपको ये बताना भूल गई थी, लास्ट में इसमें गरम मसाला भी डलेगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे। आलू गोभी की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, आप इसको पराठों से खाइए और भी मज़े की लगेगी। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी आपको।